गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन. टुडे आई विल टीच यू द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप पढ़ रहे थे. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, द ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम एन अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक जीव दूसरे जीवित प्राणी से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है, और उसे कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर थ्री टाइप्स मेनली. नंबर एक पैरासाइट, परजीवी. ठीक है, तो परजीवी जो होते हैं दे टेक देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवित से भोज लेंगे. पौधों में जैसे एक पौधा है कसकुटा, जिसे अमरबेल कहते हैं. ठीक है, ये अमरबेल जो होता है ये दूसरे पौधों पर लपेट लेता है. ठीक है, और ये इसमें ऐसे रूट्स होती हैं, उस रूट के द्वारा ये दूसरे पौधों को अंदर जाइलम फ्लोएम तक पहुंचकर, ठीक है, अब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं. ये पैरासिटिक होते हैं. पैरासिटिक जो होते हैं लिविंग से लेते हैं. द प्लांट्स या एनी ऑर्गेनिज्म हिज टेक द फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन लेते हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, और दूसरा होता है सैप्रोफाइट. सैप्रोफाइट क्या होते हैं? मृतोपजीवी, जो दार्जिम हिस्टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, उनको सैप्रोमेट्रिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और इन्हें सैप्रोफाइट कहते हैं. दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम सैप्रोफाइट कहते हैं. ठीक है, सैप्रोफाइट जो मृतोपजीवी पौधा कहते हैं. ठीक है, और तीसरा होता है सिम्बायोसिस, सहजीवन. सिम्बायोसिस क्या होता है? सहजीवन. When two plants live together and useful to each other, एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं, एक साथ रहते हैं, ऐसे प्लांट को हम सिम्बायोन प्लांट कहते हैं, और इस प्रोसेस को सिम्बायोसिस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, एंड लाइकेंस. लाइकेंस एक ऐसे पौधा है जिसकी हाफ बॉडी, आधी बॉडी जो होती है फंजाई और आधी जो होती है एल्गी होती है. ये फंजाई जो वाटर और मिनरल्स उसको एब्जॉर्ब करके देता है, बदले में एल्गी से भोजन लेता है. तो एल्गी प्लस फंजाई इक्वल टू लाइकेन होता है. ठीक, दूसरा एग्जांपल इसका राइजोबियम बैक्टीरिया है. राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन लेगुमिनेसी प्लांट. लेगुमिनेसी प्लांट किसको कहते हैं? जिसमें पहले चीमी लगती है. ठीक है, तो उनकी रूट में रहता है. चना मटर सेम जो है ये लेगुमिनेसी प्लांट होते हैं. तो राइजोबियम बैक्टीरिया लिप इनटू द नोड्स ऑफ द गांठ होती है, इन द नोड्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेगुमिनेसी प्लांट, जस्ट लाइक पी मटर. तो उसकी इनकी लेगुमिनेसी प्लांट के रूट जड़ की नोड गांठ होती है, उस गांठों में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया. तो राइजोबियम बैक्टीरिया चेंज द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके ये देता रहता है खाद के रूप में. ठीक है, और बदले में इट टेक्स द फूड फ्रॉम द प्लांट से भोजन लेता रहता है. इट इज आल्सो सिम्बायोसिस. ठीक, आगे पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. ठीक है, प्लांट जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटेशियम को हार्वेस्ट करते हैं, और जब हार्वेस्टिंग कर लेते हो, कटाई कर लेते हो, तो वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. ठीक है, हमारे फील्ड में, तो हम उसमें क्या करते हैं? ठीक है, उसमें हम फर्टिलाइजर डालते हैं, या लेगुमिनेसी प्लांट दूसरी बार बोते हैं. ठीक है, लगाते हैं, इस तरह से रिप्लेनिशमेंट किया जाता है. नाइट्रोजन की पूर्ति, तो फर्टिलाइजर या मैन्योर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो फर्टिलाइजर जो होता है वो फैक्ट्री में बनता है, मैन्योर हम लोग काउ डंग से बनाते हैं. ठीक है, इस तरह रिप्लेनिशमेंट है टेक्स प्लेस बाई
फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर और मैन्योर की सहायता से हम करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, और आई एम सेंडिंग यू द सॉल्यूशन आल्सो ऑफ दिस लेसन। किसी भी बैंक में अकाउंट हो उसे बस लिंक तुम करो।